मिक्स मतलब सबके आपस में, क्योंकि सर क्वेश्चन भी तीन है और हर एक के तीन चार स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, तो कौन सा ऊपर कोई अपलोड हो रहा है कौन सा नीचे अपलोड हो रहा उससे मैं पता कर लूंगा, स्क्रीनशॉट देखते ही पता जाएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, अलग अलग बच्चे का होएगा, तो तीन ही तो कितने करना है आपको, चार प्रॉब्लम है, चार तीन 12, 12 स्क्रीनशॉट करने में पता कर लूंगा। वो टाइटल डाल देना हर स्क्रीनशॉट का। बस सर, उसका मतलब मेन डायग्राम और सीरो बेंडिंग वाला। हाँ ठीक है, तो आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है, ये एक बिल्डिंग का प्लान है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कौन से सॉफ्टवेयर से बना हुआ, कुछ बता सकते हो आप? ये जो प्लान दिख रहा है सामने, ऑटोकैड ऑटोकैड से आर्किटेक्चर प्लान आया था, उसको कन्वर्ट किया गया स्ट्रक्चर में। कन्वर्ट कैसे किया गया, एक सारे इसमें से डिटेलिंग हटा दी, केवल क्या है, रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं बॉक्स कॉलम है, और ग्रीन कलर के ये बीम है। ठीक है, और इसकी सारी डायमेंशंस दी हुई हैं, तो इस बिल्डिंग को कैसे हम एनालिसिस और डिजाइन करें, पहले सबसे पहला स्टेप है आपका मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में देखो थोड़ा सा देख देख के बनाना होगा, पहला स्पैन ये है आपका, दूसरा स्पैन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ स्पैन, और सबकी अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, एक जॉइंट बनाता हूँ, हमारा एक्टिवेट हो जाएगा ग्रिड में बनाने के लिए। तो मैं एक जॉइंट बनाता हूँ, क्लोज करता हूँ, उस जॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ नोट कर्सर से, और ट्रांसलेट रिपीट टू, एक्स डायरेक्शन में कितने हैं, नौ है हमारे, नौ स्पैन, और यहाँ पे अब मैं डायमेंशन डालता रहूँगा 4.7 और 3, 4.7, 3, 3.5, फिर 3, 3.5, 3, उसके बाद है 4.5, 3, 4.5, 3, 3.5। यहाँ पे आपको नीचे डिफॉल्ट पे कुछ भी टाइप मत करना, वरना सारा खराब हो जाएगा, फिर दोबारा से डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। 3.33 और 3.855, 3.33 एंड 3.85। ठीक है, ये है, लिंक करना है, ओके कर देना है, ये बन गया। इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमारा ये बन गया है, ये स्पेन, अभी जो बाहर निकला हुआ है इसको हम बाद में देख लेंगे, ये अंदर वाले ही बाद में देख लेंगे, पहले हम इसी स्पेन को ट्रांसलेट करते हैं एक बार यहाँ पे, कितना, 4.97, और एक बार ट्रांसलेट करते हैं हम इसको, ये 1600 mm है, तो ये किया यहाँ पे, ये बन जाएगा, बाद में एक्स्ट्रा बीम डिलीट कर देंगे। और एक बार ट्रांसलेट करते हैं यहाँ इसी वाले को, इस वाले को यहाँ पे 4.1, तो पहले एक को करते हैं हम, इस वाली लाइन को, इस वाले बीम पूरे स्पेन को सिलेक्ट करा और 4.97 पे ट्रांसलेट कर दिया। तो ऐसे ही बड़े बड़े हमारे जो प्लान आते हैं बनाने के लिए, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया नॉर्मल कर्सर से, और ट्रांसलेट उधर की तरफ बनाना चाहता हूँ मैं, तो माइनस में डाल देता हूँ वैल्यू, -4.970 लिंक, ये हो हमारा यहाँ तक बन चुका है ये। तो ये 1600 mm है, तो मैं क्या करता हूँ, इतने को पकड़ के 1600 mm आगे ट्रांसलेट कर देता हूँ, कोई भी तरीके से आप बना सकते हो जैसा आपको सही लगे। तो मैंने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ इसको टॉप व्यू में ले लेता हूँ, टॉप व्यू, और इतना बीम को 1600 ऊपर की ओर, ऊपर माइनस जेड है, तो माइनस जेड, -1.60 मीटर लिंक, और ये हो गया ट्रांसलेट। इसके बाद क्या है आपका, ये वाला बीम है आपका 4130, और ये वाला बीम भी 4130 है। ठीक है, ये दोनों बीम, ये दोनों बीम, ठीक है, 4130, 4130।
एमएम में दिया हुआ है, हम मीटर में डाल रहे हैं, ठीक है। ये बीम, ये बीम, ट्रांसलेट जेड माइनस 4.120, 4120 था ना, 30.3 लिंक करना है, ओके ये हो गया। अब देखो यहाँ पे है चीज आपका, यहाँ पे ये एक और है 2.930, उसके बाद सर्कुलर है जिसका रेडियस जो है 1500 है ये, ठीक है, ध्यान रखना 1500 रेडियस है। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान रखना, 2.930 पहले इसको बना लेते हैं, और ये यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे 3 मीटर है इसकी लेंथ, तो हमें पहले 3 मीटर पे यहाँ पे जॉइंट लगाने पड़ेंगे, जॉइंट दो, ये जॉइंट लगाने होंगे, फिर इस मेंबर को ट्रांसलेट करना होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसकी लेंथ देखते हैं पहले कितनी है, 4.5, और यानी कि इस पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, इंसर्ट नोड, और इसमें डालता हूँ, एक तो मैं डालता हूँ 0.75 पर एड बीम, और एक डालता हूँ 3.75 पर, क्योंकि मुझे 0.5 0.75 0.75 पे नोड लगाना है, जब भी बीच का मेरे पास 3 मीटर बचेगा, ठीक है। ये लग गया, अब इसको देना है 2.930, ट्रांसलेट जेड माइनस 2.930 लिंक, ओके ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना है सर्कुलर, सर्कुलर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक जॉइंट बनाना पड़ेगा इसके मिड पे, क्यों, क्योंकि मिड पे अगर हम जॉइंट बनाएंगे तभी इस लेंथ को हम ट्रांसलेट कर पाएंगे इस तरह से सर्कुलर। तो मैं इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट नोड मिड पॉइंट, अब इसको सिलेक्ट किया, सर्कुलर रिपीट टूल, ये रहा, ठीक है। कौन से जॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, इस जॉइंट के अबाउट, येलो कर्सर ले लिया, कितना होना है 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि ये आधा सर्कल बनेगा ऐसे 180 डिग्री, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेप का मतलब है ये कितने बनेंगे, ये उसमें तो एक भी नहीं है लेकिन हमें बनाने होंगे, बाद में हम इनको डिलीट कर देंगे। तो ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम 8 ले लेते हैं रैंडमली, ठीक है, 8 लिंक, और किसके अबाउट रोटेट होगा, ये होगा आपका वाई के, उल्टा बन गया है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसमें जो एंगल है माइनस में लेना है, माइनस 180, येलो कर्सर से लेना है हमें सेंटर, ये सेंटर है, सी के अबाउट रोटेट हो रहा है लिंक, ओके कुछ गलती हो गई है, दोबारा से करते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको मिटा देता हूँ पहले, इसको सिलेक्ट किया, सर्कुलर रिपीट टूल, 180 डालना है, माइनस 180, येलो कर्सर से सिलेक्ट नहीं हुआ होगा ढंग से, ये इस पे क्लिक किया, लिंक किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया हमारा, मैंने 8 स्टेप नहीं डाले, और यहाँ पे माइनस 180, लिंक पे क्लिक किया, ओके ये हो गया। अब इसमें ये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, इनको डिलीट कर दो, तो देखो आपको ये बिल्डिंग उसके जैसी लगने लग गई होगी। अभी इसमें कुछ और एलिमेंट रह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद मैं डाउट पूछ लूंगा कुछ होगा तो। एक तो 1200 mm का यहाँ पे, ये 1200 mm यहाँ पे कैंटिलीवर निकला हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, नीचे की ओर, यानी नीचे है पॉजिटिव जेड, तो जेड 1.2 लिंक, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ये 1260 mm है और फिर 635 ये है, ठीक है, 1260 635, तो मैंने क्या किया, 1260 इसको ऊपर की ओर ले गया Z में, माइनस 1260 mm है, तो 1.260 लिंक, और इसको इधर ले गया मैं, इसको 635, ये क्या है, माइनस एक्स,
तो एक्स में माइनस 0.635 लिंक, ये हो गया। और यहाँ पे देखते हैं डिलीट है नहीं है, ठीक है सही है। तो ये पूरा का पूरा प्लान बना है अभी बिल्डिंग का, केवल प्लान। आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे तो सिंगल एक लाइन डायग्राम है। इसमें किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। ठीक सर, सर इंस्टेड ऑफ हमने ट्रांसलेट रिपीट टूल से अगर हम उसको डायरेक्ट ग्रिड पे ड्रॉ करें ज्यादा आसान नहीं रहेगा? नहीं बिल्कुल नहीं आसान रहेगा, बहुत देर लगेगी इसको बनाने में। ग्रिड में आप पहले तो आपको ग्रिड सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रिड के जो ब्लॉक हैं वो यूनिफॉर्म सिलेक्ट होते हैं, है ना। एक ब्लॉक जो होगा उसका सेम साइज होगा, और सभी ब्लॉक का, इन सभी ब्लॉक का सेम साइज होगा। तो अगर आपको सोचो, आप डायमेंशंस को देख के सोचो, इसमें आप कितने का साइज लोगे एक ब्लॉक का? इसके हिसाब से 50 मीटर लेना होगा, 55 भी आ रहा है यहाँ तो, 5 mm भी लेना होगा, है ना। अगर आपको 3855 है, यहाँ पे देखो ये 3855 है, 3855 के को ड्रॉ करने के लिए, आपको बीम को ड्रॉ करने के लिए आपको स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना लेना होगा? 0.005 मीटर। और इसी तरह से 635 भी आपको ड्रॉ करना है। तो ग्रिड जो होगी इतनी बारीक बन जाएगी आपकी, बहुत ही ऐसे 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 बहुत पतली लग जाएगा, समझ रहे हो। अभी इसको मान लो ये सारी डायमेंशंस मीटर में है, एमएम में ना, आप मीटर में कन्वर्ट करो पहले से। तो पहली डायमेंशन ये क्या हो जाएगी, 4.7 मीटर। अब 4.7 मीटर के लिए आपके पास ग्रिड कितने कितनी होनी चाहिए? आपके पास 1 मीटर की ग्रिड होनी चाहिए, 0.1 की। जब 0.1 का ब्लॉक होगा, 0.1 0.1, तभी तो 4.7 आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप ब्लॉक डालते हो एक एक मीटर का, तो 4 मीटर उसमें मेजर कर सकते हो, समझ रहे हो ना इस बात को। हाँ, तो इसलिए ग्रिड से बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इसमें। तो पर अगर हमारे पास ऑटोकैड की फाइल होती तो डायरेक्ट बन जाता ना जल्दी से। बिल्कुल, अगर ऑटोकैड की फाइल होती उसका भी मैं बता ही देता हूँ अभी। ऑटोकैड की फाइल जैसे ये है आपके पास, अब ये ऑटोकैड की फाइल है हमारे पास, लेकिन इसको डायरेक्टली ऐसे इंपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसमें आप देख रहे हो हर बीम 2 डबल लाइन में शो किया हुआ है ना। यस सर। और आपके स्टैट प्रो में बीम कैसा बन रहा है, सिंगल लाइन का ना। तो आपको पहले इस ड्राइंग को है ना स्टैट प्रो ड्राइंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इन सबके सेंटर लाइन मारनी पड़ेगी, सेंटर लाइन, और इस पूरे डायग्राम को एक सिंगल, जैसे दो ये कमरा है 3000 मीटर के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो इसमें बीच में सेंटर की लाइन होगी, और सारा डिलीट करना पड़ेगा, है ना। आप सोच रहे होगे कि वो कैसे करेंगे, तो बहुत इजी तरीका है, उसका भी बता दूंगा ऑटो कैड में, 5 मिनट लगेगी, इसका पूरे का सेंटर लाइन बन जाएगी, फिर सेव करना है उसको, फिर उसे इंपोर्ट करना है स्टैट प्रो में। इंपोर्ट ही होता है ज्यादातर, ये तो मॉडलिंग आपको आनी चाहिए एडिट के लिए, हम बता रहे हैं इसलिए मॉडलिंग, वरना मैक्सिमम कंपनियों में जो काम होता है वो ऑटो कैड की फाइल को ही इंपोर्ट किया जाता है, ऐसे बनाता नहीं है कोई बैठ के देख देख के, लेकिन मॉडलिंग भी आनी चाहिए, है ना। ये है, जब ऑटो कैड का बताऊंगा तो बता दूंगा मैं उसको। अब इसके बाद यहाँ पे और कोई डाटा नहीं है, लेकिन मैं डाटा एज्यूम कर लेता हूँ, मैं बना देता हूँ। ये मान लो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, कितने फ्लोर है, 5। ईच फ्लोर की हाइट जो है 3.5 मीटर है, अभी हमारे पास ये डाटा है, 5 फ्लोर और 3.5 मीटर ईच फ्लोर हाइट। तब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा और ट्रांसलेट रिपीट टूल में, क्योंकि हाइट बिल्डिंग की वाई डायरेक्शन क्या, और एक बीम रह रहा है राइट राइट साइड में, मेरे को तो सारे सिलेक्ट दिख रहे हैं नीचे वाले में, सिलेक्ट की बात नहीं है। अच्छा बनानी है, ये कह रहे हो? एक मिनट, कहाँ पे, नीचे से ये वाला ना। यस सर। अच्छा, इसकी डायमेंशंस क्या है, सेम डायमेंशंस है जितनी इसकी होगी, 1260, ठीक है। तो इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ नेगेटिव जेड में, माइनस 1.620, 1260 है ना, माइनस 1.260,
ये बन गया ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया ट्रांसलेट रिपीट टूल y डायरेक्शन में, नंबर फ्लोर 5 है तो यहाँ 5 डालेंगे स्टेप्स में, और हाइट क्योंकि सबकी इक्वल है फ्लोर की, अगर इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे टेबल में डाल सकते हो, अगर इक्वल है तो यहाँ पे सीधा डाल दोगे 3.5 लिंक। चलो पहले इस सवाल का जवाब दो, क्या किसी बिल्डिंग में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर फ्लोर की हाइट इक्वल होती है या नहीं होती? बताओ जरा। हर फ्लोर की है, हर कॉलम की? फुल फ्लोर की। फ्लोर का मतलब पता है क्या हो गया, जो आपका छत है किसी भी फ्लोर में जिस कमरे में आप रह रहे हो उसकी जो छत है उसके सेंटर पॉइंट से आपके पैरों में जो स्लैब है उसके सेंटर पॉइंट तक की हाइट, ये फ्लोर हाइट हो गई। अब 10 मंजिल की बिल्डिंग पे आप जा रहे हो तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर थ्री फ्लोर उन सबकी हाइट सेम होती है क्या? तो सोचा ही नहीं इस बारे में कभी गूगल करें। सोचा नहीं लेकिन होती है सेम, वो कोई स्पेशल बिल्डिंग होगी तो अलग है, लेकिन एक फ्लोर की नहीं होती, वो होता है ग्राउंड फ्लोर जहाँ पार्किंग होती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर होता है, अगर बेसमेंट पार्किंग नहीं बनाई हुई, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाई हुई, तो पार्किंग वाला जो एरिया होता है वो उसकी हाइट कम होती है। ठीक है, यहाँ ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ। ये कोई बिल्डिंग है तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे कार पार्किंग होगी यहाँ पे इसकी हाइट कम होती है और सभी की इक्वल होगी इसके ऊपर। सारे रीजन है लेकिन बेसिक से रीजन बताता हूँ मैं, क्योंकि इन सभी बिल्डिंग्स में फ्लोर में वॉल होती है और वॉल जो होती है विंड लोड को और अर्थक्वेक फोर्स को रेसिस्ट करती है, लेकिन पार्किंग में विंड वॉल नहीं होती, बस चारों साइड वॉल होती है, बीच में वॉल नहीं होती वरना पार्किंग सही नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये स्टोरी क्या हो जाती है, सॉफ्ट स्टोरी हो जाती है, तो यहीं से कोलैप्स होने का खतरा होता है बिल्डिंग का, इसलिए इसकी हाइट कम रखते हैं जिससे इसमें ज्यादा स्ट्रेस ना आए। ठीक है, ये रीजन है, और भी रीजन है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसकी पार्किंग की हाइट थोड़ी कम होती है। ठीक है, इसको मैं देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है अभी बस कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और हर फ्लोर की हाइट 3.5 है, तो मैंने पूरी बिल्डिंग को सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं वाई डायरेक्शन में, और 5 स्टेप और 3.5 हाइट लिंक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके की बिल्डिंग बन जाएगी। इसे अगर मैं इसमें देखूं 3D में तो ये इस तरीके की दिखाई देगी अभी। ठीक है, अब इसके जो नीचे बेस के जो बीम है ये वाली, ये डिलीट कर देता हूँ, ये प्लिंथ बीम होते हैं, इनको डिजाइन नहीं कर रहे हम, ये बेस यहाँ पे केवल सपोर्ट लगाएंगे, तो इनको मैंने क्या किया फ्रंट व्यू पे जाके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया सारे बीम, और इनको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो गया ये। अब इस तरीके से अब मैं यहाँ पे सपोर्ट जनरेट करता हूँ, एक फिक्स सपोर्ट ही होगी बिल्डिंग में, तो क्रिएट फिक्स, फिक्स सपोर्ट पे क्लिक किया, फ्रंट व्यू पे गया और ड्रैग करके सारे जॉइंट सिलेक्ट कर लिए और असाइन कर दिया। अब आप देखोगे सब पे फिक्स लग गया। अब आता है आपका बीम और कॉलम की प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में गया, मैंने एज्यूम कर रहा हूँ अभी मैं सारी प्रॉपर्टी, डिफाइन रेक्टेंगुलर कर रहा हूँ मैं बीम के लिए 0.6 और 0.5, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है इसलिए मैंने 600 mm डेप्थ और 500 mm विड्थ ऐड कर ली कंक्रीट मटेरियल। कॉलम के लिए मैं कर लेता हूँ 0.6 by 0.6 एक स्क्वायर कॉलम। अब मेरे को देना है इसमें बीम को प्रॉपर्टी, तो मैं एक एक बीम कैसे सिलेक्ट करूँगा, बहुत सारे बीम है एक ही बिल्डिंग में, आप देखो एक फ्लोर पे कितने बीम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 20, 30, 35 बीम है एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे, और इसमें 5 फ्लोर हैं फ्रंट व्यू से देखो तो, ये एक फ्लोर ये है जिसपे बहुत सारे बीम है 35 बीम, एक बीम ये फ्लोर पे ये है, एक फ्लोर पे ये है, इस तरह से हमारे बीम इतने सारे हैं, तो इन सबको सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक तरीका होता है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ कि मैं सिलेक्ट में जाऊंगा बीम पैरेलल टू एक्स एक बार, फिर सिलेक्ट में जाऊंगा बीम पैरेलल टू जेड, और जो बीम वाली प्रॉपर्टी है वो इन सबको असाइन कर दूंगा। लेकिन इसमें आप देखोगे सर्कुलर बीम जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कुलर बीम सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि वो ना ही पैरेलल में एक्स के ना ही वाई के, तो उनको अलग से करना है,
तो असाइन कर देता हूँ ये प्रॉपर्टी। अब कॉलम की प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई और ये असाइन कर दिया। अब 3D में जाके आप इसको देखो, ये देखो, लेकिन अभी सर्कुलर बीम जो है उन पे नहीं डला है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सर्कुलर बीम जो है ये वाला कॉलम पे तो डल गया, ये सर्कुलर बीम है, इनकी प्रॉपर्टी नहीं मिली है अभी, है ना। तो इनकी भी प्रॉपर्टी हम सिलेक्ट करके कर देंगे। टॉप व्यू में जाना है, थोड़ा सा जूम करना है, कंट्रोल दबा के आपको क्लिक करना है बीम पे, ड्रैग करोगे तो कॉलम भी सिलेक्ट हो जाएंगे। पहले प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल दबा के आपको बीम पे क्लिक करना है। अब एक बार आइसोमेट्रिक में देख लो सारे सर्कुलर सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी असाइन कर दो, हो गई। अब आप 3D में देख सकते हो। अब यहाँ के जो कॉलम होते हैं सर्कुलर होते हैं, यहाँ आपने बिल्डिंग में किसी में देखा होगा, यहाँ पर जो कॉलम होते हैं सर्कुलर होते हैं। तो मैं सर्कुलर कॉलम लेके इन्हीं के ऊपर अप्लाई कर दूंगा प्रॉपर्टी, डिफाइन सर्कुलर कॉलम 0.3 300 mm डाया एड। और मैं जाता हूँ टॉप व्यू पे, टॉप व्यू पे मैं जाके क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के यहाँ हल्का हल्का ड्रैग करूंगा सपोर्ट के ऊपर, जिससे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, केवल बीम सिलेक्ट नहीं होंगे। एक बार आइसोमेट्रिक में देख लेते हैं, हो गए। और ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। अब देखते हैं 3D में, यहाँ पे देख सकते हो आप। और एक और कमी है इसमें, इतने सारे कॉलम नहीं होते, एक कॉलम ही पूरे इसको सपोर्ट कर देगा। तो आप डिलीट कैसे करोगे कॉलम, डिलीट करना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं कि कॉलम को डिलीट कैसे करें। सेम जैसे सिलेक्ट किया था, तो मैं एक ही कॉलम रखूंगा यहाँ पे, ये तो मैंने कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया। डिलीट कर दिया, सपोर्ट भी चली गई क्योंकि कॉलम आपका डिलीट हो गया। अब फिर 3D में देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये कॉलम भी एक्स्ट्रा है। क्यों मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, कोई एनालिसिस करके नहीं, कि इतने छोटे बीम को, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने छोटा बीम है, इसको सपोर्ट करने के लिए एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, तो यहाँ ये कॉलम एक्स्ट्रा है वाला, ये जो ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। वो तो डिजाइन के बाद पता चलता है कि हमारा स्ट्रक्चर पास है कि फेल है, अभी तो हम जितना हो सकते हैं एक्सपीरियंस बेस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम है, इसको भी डिलीट कर दिया, कीबोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ, हो गया। तो ये बिल्डिंग बन चुकी है, केवल मॉडलिंग हो चुकी है इसकी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा लॉट्स के बारे में, जो मैं आपसे बोल रहा था कि एक प्रॉपर बिल्डिंग में लॉट्स कैसे लगते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बहुत सारे लोड होते हैं, सबसे पहले डेड लोड की बात करते हैं कि डेड लोड कौन कौन से होते हैं बिल्डिंग में। एक तो बीम का कॉलम का सेल्फ वेट, ये आता है डेड लोड के अंदर। एक आता है वॉल, जो ब्रिक की वॉल बनेगी आपका, उसका लोड। अब ब्रिक वॉल भी दो तरह की होती है, एक होती है जो आउटर में लगती है 9 इंच की वॉल, आउटर में 9 इंच की वॉल, एक इनर में लगती है पार्टीशन की वॉल, ये होती है 4.5 इंच की। एक और वॉल होती है पैरापिट वॉल, कोई जानता है पैरापिट वॉल क्या होती है? आप छत पे बाउंड्री बनाते हो, ग्रिल लगाते हो या वॉल करते हो? यस सर, वो होती है पैरापिट वॉल। तो हम वॉल का ही, ब्रिक वॉल का ही लोड लेके चलते हैं, उसकी जगह आप ग्रिल भी लगा सकते हो, कुछ भी स्टील का काम भी कर सकते हो, वो ज्यादा फर्क नहीं आता। तो तीन तरह की हैं। आउटर में क्या हो गया, बिल्डिंग के चारों ओर वाली वॉल जो होती है वो 9 इंच की डबल ब्रिक की होती है,
कमरों के अंदर वाली वॉल जो होती है वो आपका सिंगल ब्रिक वाली होती है पार्टीशन, तो ये लोड, अब ब्रिक तो हमने बनाई नहीं और डिजाइन भी नहीं होती, पर उसका लोड तो आएगा बीम के ऊपर, क्योंकि बीम के ऊपर ही बनती है वॉल, तो हमें वॉल का लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा मैनुअली और स्टैट प्रो में लगाना होगा। तो डेड लोड के अंदर दो लोड हमने लगा दिए, सेल्फ वेट और ब्रिक, ठीक है। तो मैं इसको मैं लगाता हूँ, सबसे पहले सेल्फ वेट तो ईजी है लगाना, मैं ये तीनों लोड निकाल के बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। आउटर वॉल, वॉल की थिकनेस होती है एमएम में 0.0 मीटर में 230, वो ब्रिक का सेल्फ वेट वो डेंसिटी होती है 22, ठीक है। ब्रिक की थिकनेस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय हाइट, डेंसिटी, अच्छा इसकी थिकनेस की यूनिट क्या हो गई मीटर, डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई किलोग्राम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और हाइट की यूनिट क्या हो गई मीटर। तो आप देखोगे यहाँ पे यूनिट क्या बची, किलो न्यूटन पर मीटर। ये कौन सा लोड होता है किलो न्यूटन पर मीटर, कोई बताएगा ये कौन से लोड की यूनिट होती है? पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, यूडीएल। तो इसका मतलब जो मैं आउटर वॉल का लोड निकालूंगा वो किस फॉर्म में लगाऊंगा, यूडीएल की फॉर्म में, ठीक है। तो हाइट कितनी है, 3.5, एक फ्लोर की हाइट ईच फ्लोर पे लगाना है, तो ये 14 आ रहा है लगभग, 14 किलो न्यूटन पर मीटर। और जो इनर वॉल है वो इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि थिकनेस हाफ है, तो 7 किलो न्यूटन पर मीटर। और जो पैरापिट है उसमें हाइट 1 मीटर हो जाएगी, तो उसका 2.5 के करीब आता है, अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ अभी कैलकुलेट क्या करना, फॉर्मूला यही होता है वॉल की थिकनेस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। 9 इंच को कन्वर्ट करोगे एमएम में, डेंसिटी हमने एज्यूम कर ली और हाइट 3.5 पता है, तो तीन लोड आ गए यूडीएल में ये डिफाइन करने हैं। तो लोड एंड डेफिनेशन में सबसे पहले मैं एक लोड केस बना रहा हूँ डेड, ये जो लोड है ना लोड का वॉल का लगाना ये थोड़ा टफ होता है, इसको देखना ध्यान से। डेड लोड एड क्लोज, डेड लोड के अंदर क्या क्या ऐड करूंगा मैं, एक तो सेल्फ वेट, एक मेंबर लोड के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स के अंदर एक तो आ रहा है -14 एड, D1 D2 D3 कुछ नहीं डालना है हमें क्योंकि फुल फुल बीम पे लगेगा, -7 एड, -2.5 एड। अभी हमने D1 D2 कुछ भी नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया अभी मैं मान के चल रहा हूँ पूरी पूरी लेंथ है, पूरे पूरे पार्टीशन है, लेकिन ये लोड भी डिपेंड करता है आर्किटेक्चर ड्राइंग में। मान लो आर्किटेक्चर कह रहा है कि ये जो बीम जा रहा है वॉल केवल इतने पे है, यहाँ पे ओपनिंग है, तो आपको बीम के इतने पे ही वॉल का लोड लगाना है आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ वॉल है। मान लो आर्किटेक्चर किसी फ्लोर पे पूरा हॉल छोड़ रहा है, बीच में कोई वॉल ही नहीं है, तो आउटर वॉल लगेगी केवल, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो ध्यान है लोड का, मैं आर्किटेक्चर ड्राइंग से पता चलता है कहाँ वॉल है कहाँ वॉल नहीं है, वहाँ पे लोड लगाना। अभी एज्यूम कर रहे हैं हर बीम के ऊपर वॉल है, तो ये सारे सेल्फ वेट तो पूरी बिल्डिंग पे लगेगा, तो असाइन टू व्यू, ठीक है। अब देखो ये जो 14 किलो न्यूटन है ये आउटर में लगेगा, वो भी कहां से कहां तक, ये ध्यान देगा, आउटर में लगेगा वो भी यहां से यहां तक इन बीम पर, क्योंकि ऊपर वाले बीम पे तो पैरापिट वॉल लगेगी जो आपके बॉर्डरी होती है टेरेस पे, तो इतने बीम पे लगेगा। तो हम क्या करें, जब मैं सिलेक्ट ऑप्शन यूज करता हूँ तो सारे बीम सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसका आसान तरीका क्या है, मैंने ड्रैग करके जितना मेरे को चाहिए उतने पे ड्रैग करके सिलेक्ट किया, आइसोमेट्रिक में भी देख लिया, राइट क्लिक करके न्यू विंडो न्यू व्यू इस पे क्लिक करते ही वो जो आपका सिलेक्ट है केवल वो दिखाएगा और सब हाइड हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब सिलेक्ट में जाता हूँ, बीम पहले टू एक्स, बीम पहले टू जेड, और ये 14 वाला लोड लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं जरा फुल स्ट्रक्चर में देखता हूँ, तो आप फुल स्ट्रक्चर में देखोगे कि टेरेस पे लोड नहीं लगा है, नीचे वाला पे लगा है, ठीक है। दोबारा से यही काम करता हूँ क्योंकि इनर वॉल का भी लगाना है मुझे, तो मैंने ये सिलेक्ट किए इतना, राइट क्लिक न्यू व्यू, टॉप पे गया मैं, ये दिखाई दे रहा है, या इसमें जाके मैंने दोबारा से, अच्छा इसमें एक गलती हो गई है, गलती क्या हुई है,
आपको दिख रहा है ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है सारा 14 किलोमीटर केवल आउटर में लगना था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कैसे इसको हटाऊं सारे लोड को, मैं सिलेक्ट में गया बीम पैलर टू एक्स, सिलेक्ट बीम पैलर टू जेड और यहाँ पे टॉगल पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये टॉगल है, ये यहाँ पे इस टॉगल पे क्लिक करने से क्या होता है, लोड हट जाता है अगर अप्लाई करोगे तो। अप्लाई किया, ये हट गया। लेकिन 14 कहाँ कहाँ लगना था, 14 लोड लगना है आउटर में। मैं बता देता हूँ पेन से एक बार, ये आउटर में यहाँ 14 लगना है, ये यहाँ 14 का लोड लगेगा, और जो इनर के सारे बीम है उन पे लगेगा 7 का, क्योंकि पार्टीशन वॉल होंगी। तो इनको कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखो भाई यही तरीका थोड़ा समझ लें। अगर मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ तो कॉलम भी सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट में जाता हूँ बीम पैरेलल टू एक्स, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड और राइट क्लिक करके न्यू व्यू। अब हमारे पे दो बार न्यू व्यू कर लिया, यानी कि हमारे पास ना ही कॉलम है ना ही टेरेस के बीम है, जो बीम चाहिए वही है केवल। अब मैं ड्रैग करूंगा तो क्योंकि हमारे कॉलम तो हाइड है, तो कंट्रोल दबा के मैं ऐसे जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो सिलेक्ट हो जाए उस पर क्लिक कर देना हटाने के लिए, मल्टीपल है इसलिए ध्यान से देखना है। इसमें एक एरर आ रहा है, ये एरर बता क्या है आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टॉप पे जाता हूँ मैं, ये जो बीम है ये यहाँ पे यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक दो बीम है। तो जब मैं पहले बीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ केवल, तो दूसरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली बना हुआ है, कोई इसमें जॉइंट नहीं है यहाँ पे। क्योंकि सर हमने इसी वाले को उठा के आगे तक कराना, तो इसी हाँ इसी को कराया, तो ये डबल भी बन सकते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जॉइंट ना लगा। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, तो मैं पहले पूरे स्ट्रक्चर को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पूरे स्ट्रक्चर में ठीक करना पड़ेगा ये, फिर दोबारा लोड लगाएंगे बाद में। तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर इस आइकन से आ गया, पूरे स्ट्रक्चर को मैंने सेलेक्ट किया और मैं गया ज्योमेट्री। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया इंटरसेक्ट, इससे क्या होगा जो भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उन पे जॉइंट लग जाएगा। पहली बात तो जीरो टॉलरेंस चेक करेगा, 20 बीम इसने नए बनाए हैं, तो अब शायद अब ठीक हो गया हो, ये देखते हैं, देखो ठीक हो गया। ठीक है, एक चीज और चेक कर लेते हैं कि डबल ना बन गए हो। तो पूरा स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया, टूल में गया और यहाँ पे टूल में है डुप्लीकेट मेंबर्स, डुप्लीकेट मेंबर भी बहुत सारे हैं, तो इनको भी एक एक को मर्ज करना पड़ेगा। ये गलतियां हो जाती हैं, मैं दूसरे तरीके से मेरे को बनाना चाहिए था, वहां पे मुझे एक नोड को ही पकड़ के एक्सटेंड करना चाहिए था, तो ये दिक्कत नहीं आती। और कभी जो मैंने आपको बताया कि ऐसी बिल्डिंग का प्लान स्टैट प्रो में ऑटो कैड बना के फिर उसको इंपोर्ट करते हैं, तब ये वाले एरर तब भी आते हैं, तो ये एरर रिमूव करने आने चाहिए। एक तो आपको डुप्लीकेट चेक करना है, एक आपको एक बार पूरी बिल्डिंग को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट जरूर करना है। अब मैं मर्ज कर रहा हूँ जहाँ जहाँ डुप्लीकेट बन रहे हैं, इनका नंबर का मतलब है 702 और 718 बीम नंबर आपस में ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, तो दोनों को मर्ज कर दिया, डुप्लीकेट है यानी कि। तो अब ये बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब दोबारा से मैं फ्रंट व्यू में जाऊँगा और इतना स्ट्रक्चर सिलेक्ट करूँगा केवल, राइट क्लिक न्यू व्यू, इसमें से भी फिर कॉलम भी गैप कर दूंगा, तो सिलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड और राइट क्लिक न्यू व्यू। अब हमारे पास कॉलम भी नहीं है, टॉप व्यू पे जाऊंगा मैं और मैं इसे ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा, 14 किलोमीटर लगाना है मेरे को इन पे। मैंने आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर रिमूव करना आना चाहिए जहां आप फंस होना फिर कभी, तो अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ और उसमें एरर आ रहे हैं तो एरर आना अच्छी बात है, क्योंकि वैसे ट्रेनिंग के मॉड्यूल में तो एरर आना ये सब गलतियाँ हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, सारे सिलेक्ट हो गए, अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा रह गया वहाँ पे, कहाँ पे, टॉप व्यू में करिए। ओके ओके, असाइन कर देता हूँ,
अब देखो ये लग गया, अब टॉप व्यू में जाता हूँ, 7 किलोमीटर पे क्लिक करता हूँ, अंदर वाले भी थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा दिखेगा। ये सिलेक्ट हो गए सारे इनर और इन पे अप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया। अब फुल स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, अब इसका टेरेस के साथ यही काम करते हैं कि टेरेस पे लगाना है हमें, तो टेरेस टेरेस सिलेक्ट करता हूँ मैं और न्यू व्यू टॉप व्यू ये रहा। अब टेरेस पे क्या होगा, आउटर में ही बाउंड्री बनती है ना, वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर में बीच में ही बना रखी है। तो अभी मैं आउटर में आन के लगाता हूँ, तो देखो मैं यूज करता हूँ यूज कर्सर वाला ऑप्शन, तो इस पे तो क्लिक करते हैं आप, ऐसे लोड लगता जाएगा। जहाँ लग गया है गलती से उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक कर दूंगा मैं जहाँ नहीं लगाया। अभी ड्रैग के भी कर सकते थे, बस मैं बताने के लिए किया है मैंने। टॉप व्यू पे जाना है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है कहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है और कहाँ लग गया। टॉगल पे आप क्लिक कर दोगे, टॉगल का मतलब होता है जहाँ लगा हुआ है वहाँ हट जाएगा क्लिक करने पे, और जहाँ नहीं लगा वहाँ लग जाएगा। तो टॉगल से फायदा है, तो मैं देखो यहाँ क्लिक किया लग गया, यहाँ क्लिक किया हट गया, यहाँ क्लिक किया लग गया, ब्लू जो हो जाता है वो लग गया, यहाँ क्लिक किया हट गया, यहाँ किया लग गया, लग गया। तो आउटर में सभी जगह लग चुका है, एक बार आइसोमेट्रिक देख लेते हैं, देखो ठीक है वॉल का लोड लग गया। अब फुल स्ट्रक्चर पे ले लेते हैं, ये आ गया फुल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि 2.5 की इंटेंसिटी बहुत कम है, तो उसके रिलेटिवली इनकी जो हाइट है वो बढ़ गई है एरो की हाइट। तो मैं स्केल में जाता हूँ, स्केल अप्लाई इमिडिएटली और यूनिफॉर्म फोर्स की को बढ़ाता हूँ वैल्यू को, इससे कर्सर छोटे हो सके, ठीक है। ये लग गया हमारा लोड, जिस लोड पे क्लिक करूंगा वो हो जाएगा ब्लू। ये 14 है आउटर में, ये इनर में 7 है, ये टॉप पे 2.5 है, और सेल्फ वेट तो पूरे बिल्डिंग पे लग ही चुका है। तो ये था केवल हमारा सेल्फ वेट। अब आता है हमारा लाइव लोड। तो लाइव लोड क्या होता है, टेम्परेरी लोड जो होता है, फर्नीचर का लोड जो होता है ना, फर्नीचर या आप ह्यूमन का जो लोड होता है वो होता है। तो ये आई इसके इस लोड को चेक करने के लिए IS 875 Part 2 है, ठीक है। इस कोड में आपका लिखा हुआ है कि कौन सी बिल्डिंग पे कितना लोड लगाना है लाइव लोड, ठीक है। बिल्डिंग के टाइप के अकॉर्डिंग वहाँ पे होता है, किचन है, लाइब्रेरी है, उसका कितना साइज है, कोई लैब है तो वहाँ कितना लगाना है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वो कहता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप 3 kN/m² लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना, ये कह रहा है कि लाइव लोड आप लगा सकते हो 3 kN/m², एरिया लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और लाइव लोड होता किस पे है, बीम के ऊपर नहीं होता, स्लैब के ऊपर होता है, स्लैब से बीम पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि सारा फर्नीचर हमारा किस पे है, स्लैब के ऊपर है। तो एक एरिया लोड लगेगा किसके ऊपर, स्लैब के ऊपर, या कह सकते हैं फ्लोर लोड लगेगा। ये लगाना सबसे ज्यादा जो आपको किसी भी बिल्डिंग में लोड लगाने की जरूरत पड़ती है हमें, और मेहनत जो लगती है वो फ्लोर लोड लगाने में पड़ती है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, नया है फ्लोर लोड। सबसे पहले मैं इस ड्रॉइंग में समझाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची है यहाँ पे क्या होगी, एक स्लैब होगी, एक स्लैब यहाँ पे डलेगी, एक स्लैब यहाँ पे डलेगी, एक स्लैब यहाँ पे डलेगी, और एक स्लैब छत पे, लेंटर बोलते हैं इसे, लेंटर डलेगा, ठीक है। तो इनके ऊपर ही लगता है लाइव लोड, पर अभी स्लैब तो हमने बनाई नहीं है, ठीक है। स्लैब हम बनाएंगे अभी नहीं स्टैट प्रो में, बाद में स्लैब डिजाइन होती है अलग से, तो लेकिन लोड उसका हम लगाएंगे यहाँ पे। तो स्लैब नहीं है फिर भी लोड कैसे लगाएंगे, इसमें लोड लगाने का एक तरीका है जिससे वो लोड ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे कि बीम पे होता है स्लैब से, वैसे वो लाइव लोड स्लैब से
बीम पे ट्रांस हो जाएगा, इसलिए बीम की जरूरत ही नहीं है, स्लैब की जरूरत नहीं है अभी। तो वो लोड कैसे लगाना है यहाँ ध्यान रखना कि किस डायरेक्शन में हमारी लेंटर डल रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। इसको लगा के दिखाता हूँ, कोड के अकॉर्डिंग 3 लगना है, 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड लगना है। तो सबसे पहले मैं गया लोड एंड डेफिनेशन में, यहाँ पे लोड बनाया लाइव और यहाँ पे ऐड किया इसको क्लोज, लाइव लोड पे क्लिक करके ऐड किया मैंने, यहाँ पे आपका फ्लोर लोड ये रहा। इसको समझना ध्यान से, यहाँ इस वाले को तो ब्लॉक को छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें, इसको डिफॉल्ट ही रहने देना हमेशा। यहाँ पे इंटेंसिटी डालनी है, इंटेंसिटी मैंने अभी बताई है कि कोड के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग में -3 डालूंगा, -4 डाउनवर्ड। यूनिट आप चेक कर सकते हो, 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। आज मैं केवल बताऊंगा आपको वाई रेंज, इसमें बहुत दो चीजें समझने वाली हैं, तीनों चीजें, लेकिन मैं आज केवल वाई रेंज, कल होगी आपकी एक्स रेंज और जेड रेंज क्या होगा। वाई रेंज का मतलब है कि पूछ रहा है लेंटर कहां से कहां तक डला हुआ है, स्लैब, स्लैब हमारी यहां पे कितना है 0 मीटर, यहां पे कितना है 3.5 मीटर, यहां पे 7 मीटर हाइट हो जाएगी, यहां 10.5 मीटर हाइट हो जाएगी, यहां हो जाएगी 10.14 मीटर, यहां हो जाएगी 17.5 मीटर। तो लेंटर जो डल रहा है वो 3.5 से 17.5 तक डल रहा है ये लेंटर। तो यहाँ पे यही रेंज डालनी है हमें वाई में, मिनिमम है 3.5 और मैक्सिमम है 17.5, और वैल्यू डाल देनी है, ऐड कर देना है, इसे अप्लाई भी नहीं करना होता, बस ऐड करते ही ऑटोमेटिक डल जाएगा। ऐड क्लोज, यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो देखो ये लग गया लोड। अब ये लोड आप बोलोगे ट्राइंगल फॉर्म में क्यों लग रहा है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो जो स्लैब का लाइव लोड है वो ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में ही ट्रांसलेट होता है बीम के ऊपर, टॉप व्यू से देखोगे तो ये रहा। मैं एक का समझाता हूँ जूम करके, ये एक रूम है, इस बिल्डिंग का ये एक रूम है, इसमें एक स्लैब डली हुई है, उस स्लैब के ऊपर जो भी फर्नीचर का लोड, तुम्हारा लोड, जो भी लोड होगा वो चारों बीम के ऊपर ट्रांसफर होगा, लेकिन वो इक्वली नहीं होता, चारों स्क्वायर रूम, अगर रूम का साइज स्क्वायर है तो चारों पे इक्वली होगा, जैसे रूम ये है स्क्वायर, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल साइज, इतनी स्लैब का लोड इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये बीम बेयर कर रहा है इतनी का स्पेस, इसी तरह से इसमें है क्योंकि रेक्टेंगल है, तो इतनी स्लैब का जो भी लोड आ रहा होगा वो ट्रांसलेट हो रहा है इस बीम पे, ये बीम इन दोनों कॉलम पे ट्रांसलेट कर रही है। सेम एज इतनी स्लैब पे जो भी लोड आ रहा होगा वो इस वाले बीम पे ट्रांसलेट कर रहा होगा, इसलिए ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में आपको लोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। सर अगर फ्लोर होता तो हमें रेन डालने की जरूरत नहीं पड़ती ना सर, अगर मैं स्लैब बनाता सीधा। हाँ ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये एक रूम है, ये यहाँ पे आप एक स्लैब भी बना सकते हो, जो मैंने प्लेट वाला बताया था आपको, प्लेट डिजाइन कर, लेकिन ऐसे में किसी कंपनी में जाओगे तो वह काम कैसे होता है, वह काम इस तरीके से होता है कि आप स्टैड प्रो में डिजाइन करोगे बीम कॉलम, स्लैब डिजाइन करोगे एक्सेल शीट से, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना उसी में फॉर्मूला लगी हुई शीट होती है, तो जब आप इस बिल्डिंग को डिजाइन करोगे ना, एनालिसिस करोगे कॉलम बीम को, तो जो रिएक्शन निकल के आएगी ना, जो फोर्स निकल के आएंगे बीम के ऊपर, लोड के ऊपर, वो इसमें कुछ ट्रांसलेट नहीं करना है, कि स्लैब पे हमें कुछ वैल्यू डाल देनी है, इस कोड के अकॉर्डिंग वो जो एक्सेल शीट होगी वो आपको स्लैब डिजाइन कर देगी, ठीक है। लेकिन स्लैब के ऊपर आने वाले लोड है, क्योंकि वो एक्चुअली में बीम के ऊपर ट्रांसलेट होने हैं, तो वो लोड हमें लगाने होते हैं स्टैट प्रो के अंदर ही, एक कंपनी में जैसे काम होता है वैसे बता रहा हूँ मैं। और अगर आपको प्लेट बनानी है तो प्लेट लगाने के बाद आपको प्लेट के ऊपर प्लेट प्रेशर लगाना होगा, ऐसा होता क्यों है इसका भी रीज़न बता देता हूँ। ये चार बीम है, पहला केस फर्स्ट है कि आपने क्या किया, प्लेट बना दी, ग्रीन कलर की बनती है ना प्लेट, आपने यहाँ पे प्लेट बना दी,
उस प्लेट के ऊपर फर्नीचर का लोड भी लगा दिया, फर्नीचर का लोड लगा दिया। कैसे लगाओगे? प्लेट है तो प्लेट लोड लगाओगे आप, ठीक है। पर ये जो प्लेट लोड जो ट्रांसफर होता है ना बीम पे, उस फॉर्म पे नहीं होता, ट्रांसटेपोजिटल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ट्रैपोजिटल फॉर्म में ही लोड ट्रांसफर होता है, स्लैब का लोड बीम पे के ऊपर। इसलिए हम प्लेट बनाते नहीं है, किसी प्लेट को ही बना के अगर एनालिसिस करना है सिंपल, एक प्लेट अलग से बिना बीम के, तो हम प्लेट बना के एनालिसिस करते हैं, वरना हम स्लैब अलग से एक्सेल शीट में डिजाइन करते हैं। जैसे भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो उस कंपनी के पास अपनी एक्सेल शीट होती है, वो आपको दे देगा। आप एनालिसिस करोगे, वहां से फोर्सेस को निकाल के एक्सेल शीट में डालोगे, एक्सेल शीट आपको स्लैब डिजाइन करके दे देगी, बस ऐसे होता है काम। इसलिए मैंने कहा था कि जो फ्लोर लोड जो मैंने अभी लगाया है ट्रैपोजिट फॉर्म में जो लगाया, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि स्लैब तो हमें बनानी नहीं है स्ट्रक्चर में, और सारे स्लैब के लोड लगाने हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो चार बीम है इस रूम के, इनके ऊपर कौन कौन सा लोड ट्रांसफर हो रहा होगा? स्लैब का सेल्फ वेट भी तो ट्रांसफर हो रहा होगा इनके ऊपर, और स्लैब का लाइव लोड भी ट्रांसफर हो रहा होगा। तो स्लैब का जो लाइव लोड है वो तो मैंने बना दिया, 3 किलोमीटर का लगा दिया यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन जो स्लैब का सेल्फ वेट है वो नहीं लगाया ना मैंने अभी डेड लोड, तो वो भी कैलकुलेट करके डेड के अंदर लगाना पड़ेगा एज ए फ्लोर लोड, क्योंकि हम स्लैब बना नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, दोबारा बताओ बताओ। ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया जो आपने लास्ट में बोला। ये मैं कह रहा हूँ कि स्टैट में मॉडलिंग में हमें स्लैब नहीं बनानी होती, लेकिन स्लैब के सारे काम करने होते हैं। अब ये जो बीम है, कोई भी बीम है एक बिल्डिंग का, उसके ऊपर स्लैब की वजह से कौन कौन से लोड आ रहे होते हैं बीम के ऊपर? एक तो स्लैब का खुद का सेल्फ वेट आ रहा होता है, और एक उस स्लैब के ऊपर जो लाइव लोड है, हमारा लोड है, वो आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम स्लैब तो बना नहीं रहे, मॉडलिंग तो कर नहीं रहे स्लैब की, लेकिन वो स्लैब के लोड तो बीम के ऊपर जाएंगे, तो बीम तो हमारा डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि स्लैब का लोड भी बेयर कर सके, तो वो लोड तो लगाने पड़ेंगे हमें बिना स्लैब को मॉडलिंग किए हुए, तो वो फ्लोर लोड के टाइप में लगते हैं। जिस तरह से लाइव लोड लगाया, इसी तरह से स्लैब का खुद का वेट कैलकुलेट करेंगे हम, और फिर उसी उतना ही लोड इंटेंसिटी यहाँ पे लगा देंगे। जैसे कि स्लैब की थिकनेस हमने एज्यूम करी 150 mm की स्लैब बना रहे हैं, और उसकी डेंसिटी क्या होगी? कंक्रीट की डेंसिटी होती है 25, थिकनेस हो गई स्लैब की 125 mm, 125 mm मान लो, और डेंसिटी कंक्रीट की आरसीसी की कितनी होती है? 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो लोड आ जाएगा स्लैब लोड, स्लैब का सेल्फ वेट क्या होगा? थिकनेस मल्टीप्लाई डेंसिटी, थिकनेस है 125 mm, डेंसिटी है 25, तो जो लोड इंटेंसिटी आएगी उसकी यूनिट किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में होगी, और उसी को हम क्या करेंगे, डेड लोड के अंदर ऐड करेंगे और लगा देंगे यहाँ पे। मैं लगाई देता हूँ एक बार, मान लो ये जो बिल्डिंग हमने बनाई है, इसमें जो लेंटर डलेगा वो 150 mm थिकनेस का डलेगा, ठीक है। तो हमें बनाना नहीं है लेंटर, लेकिन हमें उसका लोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बीम के ऊपर जाता है। तो 150 mm यानी कि 0.150 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। तो कैलकुलेटर 0.150 मल्टीप्लाई बाई 25, ये हो गया 3.75। तो मैंने डेड लोड पे क्लिक किया, ऐड किया फ्लोर लोड, और यहाँ पे -3.75 और वैल्यू वही डाली, मिनिमम वाई की वैल्यू 3.5 और ये 17.5। ऐड क्लोज, देखो ये लग गया। डेड के अंदर जो फ्लोर लोड लगाया वो है लेंटर का सेल्फ वेट, और जो लाइव लोड के अंदर लगाया वो लेंटर के ऊपर फर्नीचर हमारा लोड वो है, पर हमने लेंटर की मॉडलिंग नहीं की है, क्योंकि वो अलग से डिजाइन होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं इसको एनालिसिस करता हूं, ऑल पे क्लिक करके ऐड रन एनालिसिस।
में डायग्राम लॉर्ड शेयर पोस्ट डायग्राम, ठीक है। इसी बिल्डिंग में एक तो मेरे को बताना है आपको साफ्ट का केस, साफ्ट बताऊंगा क्या होती है। एक जो मैंने फ्लोर लोड बताया उसमें एक्स और जेड की रेंज क्या होती है, वो किस काम आती है, बहुत काम आती है वो। और इस बिल्डिंग को डिजाइन करना जो कल के लेक्चर में होगा। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। और ये वाला क्विज 5 बजे एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आपको 4 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो मैंने यहाँ पर भी भेज दिए हैं, जो आपका चैट बॉक्स है इसमें भी डाल दिए एरी शीट। इसको डाउनलोड कर लेना, इसको स्टैट प्रो में बनाना है, नाम लिखना है, उनके स्क्रीनशॉट फिर आपको वहाँ सबमिट करने हैं। जब वो क्विज खुल जाएगा ना, उसी में सबमिट करने का आता है, अपलोड करने का, वहाँ पे अपलोड कर दोगे वो स्क्रीनशॉट नाम रोल नंबर डालने के बाद, ठीक है।